आज हमने बूथ क्रमांक 10 और 11 इन दो बूथों का जनसंपर्क किया और सुबह हमने 94 नंबर का जनसंपर्क किया था। पिछले 4-5 दिनों से जब से हमारा चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया है और उस निर्णय के बाद पहले दिन तो हम बहुत असमंजस में थे कि हमारे मतदाता भाई बंधुओं का, हमारी बहनों का रिस्पांस क्या रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा जनसंपर्क आगे बढ़ रहा है और हमारा जनता का जो हमें स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वह देखते देखते हमारा मन बहुत प्रफुल्लित होता जा रहा है और हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ की जो वार्ड की सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो यहाँ पे जल भराव की समस्या थी और हमें ये आपको बताते हुए बहुत ही हम अपने आप को गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहे हैं कि हमने लगभग 75% जल भराव की समस्या से हमने इस वार्ड को निजात दिला दी है। एक दो स्थान और ऐसे बच गए हैं और उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया था, सैंक्शन हो गया था, काम चालू हो गया था, लेकिन चूंकि हमारी सरकार चली गई थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो उनने वो काम सब बंद करवा दिए थे। उसके बाद कोरोना काल आ गया और कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, इसलिए वो काम रुक गए हैं। तो हम आगे उन कार्य को भी पूरा करेंगे और हमारे इस वार्ड में चूँकि गार्डन बहुत हैं इसलिए हमने उनकी तरफ भी ध्यान दिया और लगभग 7-8 गार्डनों का हमने विकास कराया है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आप आज जबलपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्क हो चुका है। MR4 रोड आप देख रहे हैं, इसको हमने प्रस्ताव दिया था तो उसको हमारे नगर निगम प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से पूरी MR4 का निर्माण किया गया है। सर्विस रोड भी है इसमें और अगली बार हम उसको, जो अगर भगवान ने हमें, ईश्वर ने मौका दिया, तो हम सर्विस रोड भी बढ़िया करेंगे इसको। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।